not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want. मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे. और यहाँ जो आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा दुर्गा पूजा का साफ सफाई हो चुका है. और आज है महल्या. महल्या की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं. माँ दुर्गा अपनी कृपा सदैव सब पे बनाए रखे. और यहाँ पे भी पूरा साफ सफाई हो कि मम्मी सारा डाइनिंग का कवर वगैरह जो भी है सारा साफ वाफ करके यहाँ पे सूखने में डाल दी. और रात भर इतना भयंकर वाला बारिश हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है. तो आज है मैं नवरात्रा करती हूँ और आज नहा करके ही खाना बनाया जाता है. तो मैं अभी नहा करके आ गई हूँ. और पितृपक्ष का जो पूजा था और लास्ट था, तो वो भी घर में हो चुका है. पंडित जी करा के चले गए हैं. तो नवरात्रि के लिए मम्मी क्या क्या शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखाऊंगी. और चलिए खाना बनाते हैं फटाफट और आपको दिखाते हैं आगे की सारी रूटीन. तो यहाँ पे हुआ है दुर्गा पूजा का बहुत सारा शॉपिंग, जो कि मेरी मम्मी की है. मतलब जो भी बर्तन यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो ये सारा फलाहारी करने के लिए, पूजा के लिए बर्तन लिया गया है. मम्मी सारा पूजा के लिए ली है, जो कि फलाहार करने के लिए, दूध छानने के लिए. और यहाँ पे ये कटोरा ली है, जो कि ये भी पूजा में काम आएगा. तो ये सब बर्तन सारा ली है मम्मी. और नया तावा ली है, पूजा का दिया दो ग्लास ली है मेरा और मम्मी का. और ये तावा नया वाला ली है. और ये यहाँ पे है शेक पीने के लिए. और ये दिया है नया वाला. और ये है सारा पूजा का सामान जो अभी तक आया है, सारा मुझे समेटना है. सारा पूजा, ये सारा रैक आप जो देख रहे हैं पूजा का, इसे अच्छे से क्लीन करना है और सारा सामान को अच्छे से अरेंज करना है. और ये तरबूज रखा हुआ था पुराना वाला, फ्रिज साफ़ किए थे तो उसमें निकाले हैं, इसको फेंक देंगे और देखेंगे बंदर आएगा तो उसको दे देंगे किचन में. और अब यहाँ पे चावल का पानी चढ़ा दिए हैं और इसमें भी गर्म पानी है जो यूज़ दाल के लिए चढ़ा दिए हैं. और यहाँ पे आलू ले लिए हैं क्योंकि ईरा को लगे हैं भूख, तो उसके लिए फटाफट आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बना देंगे तो वो पूड़ी खा लेगी. और आप धीरे धीरे काम शुरू करते हैं. तो यहाँ पे मैं आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा रही हूँ. आलू बॉईल हो जाएगा तो कुछ भी बन जाएगा, जैसे चोखा हो गया या आलू टमाटर की सब्ज़ी, आलू गोभी, आलू का भुजिया, कुछ भी बन करेगा तो वो बना देंगे. हम ले लिए हैं थोड़ा सा आलू जो कि हम इसका भुजिया बनाएंगे क्योंकि आज ही पर हम लोगों को सिंधा नमक खाना है. तो हम लोग अपने लिए देखते हैं, गोभी का तो सब्जी बनेगा ही क्योंकि कुछ हरा सब्जी तो ज़रूर बनेगा पापा के लिए, तो वो गोभी का सब्जी बनेगा. और इधर हम लोग अपने लिए चोखा, जो कि हमको बहुत बहुत पसंद है, तो चोखा बनाएंगे और आलू का भुजिया बनाएंगे. दाल चावल यही आज हम लोग आज ही भर सिंधा नमक खाएंगे, उसके बाद फिर 10 दिन के बाद. तो चलिए भुजिया हम काट लेते हैं, थोड़ा सा भुजिया छौंक देते हैं ताकि कुछ रोटी पराठा खाने का भी मन होगा तो उसके साथ फटाफट खा सकते हैं. तो आलू का भुजिया भी लगभग बन चुका है और अब पराठा या फिर रोटी ईरा से पूछ लेते हैं, जो खाने का मन होगा उसका बना देंगे. बगल में यहाँ पे चावल चढ़ा हुआ है तो भुजिया को इस तरीके से साइड कर लेंगे, इसी में आलू गोभी बना लेंगे. तो जो बाकी तेल बचा था ना, उसी में मैंने गोभी काट करके इसे अच्छे से उसी में फ्राई कर लेंगे. और यहाँ पर बैंगन का पकौड़ा के लिए बैंगन काट के रखा हुआ है मैंने. आलू बॉयल हो गया था तो छील दिए हैं. और यहाँ पर बन गया है चावल और मेरा चाय है, अब मैं चाय पीऊँगी. तो यहाँ पर चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में. और मुझे कोई भी सामान यहाँ पर मम्मी रखा हुआ नहीं मिलता है क्योंकि मम्मी ही जानती है वो मम्मी कहाँ रखी है. तो यहाँ पे मम्मी से हम पूछ के सारा सामान निकाल निकाल के यूज़ कर रहे हैं. और यहाँ पे जो आप सारा पन्नी में मसाला वगैरह देख रहे हैं ना, तो ये मम्मी नया वाला लेके आई है, जो कि हमारे घर में 9 दिन तक अब सिंधा नमक बनेगा. जैसे कि पापा नवरात्रि नहीं करते तो पापा के लिए नमक बनेगा, जैसे ईरा खाएगी तो हमारे यहाँ जब तक नवरात्रि चलता है तो सिंधा नमक पापा खाते हैं. तो यहाँ पे सारा मसाला सब जो आप देख रहे हैं ना, तो ये सारा मसाला अभी डब्बे में डाला है, सारा नया मसाला है. जो भी बाकी पहले का मसाला था जो कि नॉनवेज में सब में सटा हुआ था, तो वो मम्मी साइड करके रख दिए, जो कि 10वीं के बाद अब निकलेगा वो सारा मसाला. तो यहाँ पे सारा अभी जो मसाला है वो बाद में हम डब्बे में करके डाल देंगे क्योंकि डब्बा मम्मी दे दी है धोने में, तो इसलिए पैकेट से हम निकाल निकाल के यहाँ पे काम कर रहे हैं. और मम्मी का रखा हुआ जो भी सामान यहाँ पे है तो मम्मी से पूछ के हमको लेना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मम्मी का रखा हुआ तो हमको कुछ मिलता नहीं है. तो इसी तरह का सब्जी यहाँ पे लगभग बन रहा है क्योंकि मसाला भुना चुका है. और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोभी, जो कि मसाला सब था वो फ्राई हो चुका था. आलू हम डाल दिए थे और ऊपर से अब धनिया पत्ता डाल देंगे. और गोभी जो फ्राई करके हम रखे थे तो वो अब इसके ऊपर गोभी भी डाल देंगे. और सब मिला करके एक साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे. और ये सारा सब कुछ डाल देंगे एक कुकर में, तो एक सीटी मारेगा और सब्जी तुरंत तैयार हो जाएगा. हमको बहुत ईजी प्रोसेस लगता है, कढ़ाई में आराम से फ्राई कर लो, पूरा फैला हुआ रहता है कढ़ाई,
तो यहाँ पे दाल भी बन गया है। तो कढ़ाई में फ्राई करके मैं सारा सब्जी वगैरह क्या करती हूँ कुकर में डाल देती हूँ। वो खाना वगैरह बनाने के बाद यहाँ पे मैं बाहर में आकर के अपना नेल कट कर रही हूँ, क्योंकि आज है नहाए खाए हम लोगों का, तो नाखून काटना बहुत ज़रूरी रहता है। यहाँ पे नाखून मैं कट कर रही हूँ और नेल पेंट लगाऊंगी, क्योंकि जो नवरात्रि करते हैं वो एक दिन पहले नाखून वगैरह काट लेते हैं, क्योंकि नॉनवेज वगैरह खाया हुआ रहता है लहसुन प्याज। तो इस तरीके से नाखून वगैरह काट लिया मैंने और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आलता। तो आलता लगाएंगे, जो कि यार बहुत ज़रूरी होता है लगाना, नियम रहता है कि नवरात्रि के मतलब नहाए खाए में आलता लगाना है। आलता तो ऐसे भी शुभ होता है, कभी भी आप लगा सकते हैं। और आलता लगने के बाद आप पैर देख सकते हैं कितना खूबसूरत लगता है, मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं है। मतलब लाल रंग पैर में ना गजब का लगता है, बहुत सुंदर लगता है, खिल जाता है। और यहाँ पे मम्मी सारा भगवान जी का सारा सफाई कर रही है, जो कि भगवान जी को सब को नीचे उतार दिए, मम्मी डाइनिंग पे रखी हुई है और सारा साफ सफाई चल रहा है, क्योंकि नवरात्रि से पहले पूजा का रैक वगैरह साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मैं बगल में ईरा को खाना भी खिला रही हूँ, उसे खाना खिलाना मतलब हालत ख़राब हो जाता है मेरा, इधर दौड़ाती है उधर दौड़ाती है। और यहाँ पे मम्मी को आप देख सकते हैं पूरा साफ़ सफाई हो रहा है। तो खाना बन चुका है और मम्मी कर रही है पूजा का साफ़ सफाई, और मैं यहाँ मुझे लग गया बहुत ज़ोर का भूख, तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ अपना खाना। तो खाना दिखा देती हूँ कि खाना क्या क्या बनाया है। तो यहाँ पे है मज़ेदार तीखी तीखी आलू गोभी की सब्ज़ी, आप मिर्ची देख सकते हैं कितना मैंने भर भर के डाला है, क्योंकि आज भर खाना है और अच्छे से खाना है, मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है। और यहाँ पे आलू का भुजिया मैंने बनाया हुआ, पराठा है, चावल है और हरी मिर्च है, और यहाँ पे दाल है। तो ये है मेरा आज का सिंधा नमक का टोटल खाना। पे मम्मी पेपर वगैरह अच्छे से बिछा दी है, पूरा साफ़ सफाई हो चुका है मंदिर का, और यहाँ भी साफ़ सफाई हो चुका है। और ये मम्मी अभी मोर भी चेंज कर दी है और ये नया पेपर वगैरह सब यहाँ पे। और जो मेन जो हम लोग पूजा करेंगे ना, जो कि जौ वगैरह जयंती वगैरह उगाएंगे, तो या तो इस साइड उगाएंगे या तो इस साइड उगाएंगे, तो यहाँ पे बड़ा स्पेस कर दिया है मम्मी, ताकि पंचदेवता का पूजा के लिए प्लेट वगैरह रखे अच्छे से। और ये अभी फ़ोटो है जो कि सीधा करके रखेंगे। तो यहाँ पे एक और पीढ़ा लगा के, यहाँ पे एक पीढ़ा लगा के आपको कल नवरात्रि का जो ब्लॉग आएगा स्पेशल, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कल। और यहाँ पे अच्छे से पूजा करेंगे, ताकि गंदा वगैरह जो रहे ना वो पूजा के थाली में वगैरह नहीं लगे। और जो भी थाली रहेगा हम लोग ऊपर पे रखेंगे और ऊपर पे ही पूजा करेंगे। और अभी भी यहाँ पे सारा सामान वगैरह यहाँ पे फैला हुआ है, और सारा नवरात्रि का ही इसमें मम्मी सारा सामान वगैरह शॉपिंग वगैरह करके लेके आई है। तो यहाँ पे काजू है, नवेद्य है, और जितना भी पूजा का सारा सामान है वो सारा मम्मी इसमें अभी रखी हुई है। तो धीरे धीरे कल का सारा तैयारी हो रहा है यहाँ पे। और अभी टोटल सारा यहाँ पे साफ़ सफाई हो चुका है। यहाँ पे मम्मी कर रही है पूजा का सारा बर्तन, जितना पूजा का बर्तन था सारा का साफ़ सफाई, भगवान जी का चुंदरी सब कुछ। तो नया बर्तन जो भी मम्मी कल लेकर के आई है वो भी यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही है, क्योंकि सारा पूजा में लगेगा तो सफाई होना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो आपको एक गाना सुनाई दे रहा होगा गीत टाइप का, तो वो बगल में मंदिर है तो वहाँ पे अभी गाना चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब दुर्गा पूजा का वाइब पूरा आने लगता है कि हाँ अब दुर्गा पूजा आ चुका है, और बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। और यहाँ पे पूरा हरा भरा सा पूरा अभी मौसम देख सकते हैं, पूरा मतलब बारिश टाइप का, रात भर कल बारिश हुआ है। और यहाँ पे और ये जो पेड़ देख रहा ना, ये कटहल का पेड़ है, बहुत पुराना कटहल का पेड़ है, मतलब हम बहुत छोटे थे तब से, मतलब उससे भी पहले से ये वाला पेड़ है, और इसी पे बहुत सारा बंदर वगैरह रहता है, तो पर अभी है नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक है यहाँ जो सोया हुआ है, ये देखिए, ये मतलब इस पे हमको लगता है कि हज़ारों के तादाद में बंदर रहते होंगे, बहुत बहुत बड़ा विशाल पेड़ है ये। और यहाँ पे ये एक सोया हुआ है, और बाकी उधर आप देख सकते हैं उधर ये भी पेड़ है, उस पे भी बहुत सारा बंदर वगैरह रहता है। तो बज रहे हैं 4 और पूरा मतलब बारिश धूप भी है, बारिश हो गया और उमस हो जाता है। तो अभी भी मम्मी का सारा काम वगैरह अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि कल से है पूजा और सारा तैयारी वगैरह सब कुछ आज ही करना है। तो हम सारा खाना बना दिए, मम्मी इधर पूजा का काम कर रही है। तो पूजा पाठ हम जानती हैं कितना सारा मतलब काम वगैरह होता है, अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मम्मी अभी भी चुंदरी वगैरह धो रही है, और ये है हमारा छोटा सा छत जिसपे यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, और यहाँ पे सारा कपड़ा वगैरह धुलाता है। मैं आपको दिखाऊंगी ईरा के लिए जो मैंने दुर्गा पूजा का शॉपिंग किया हुआ है, तो वो सारा ड्रेस मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और बेडशीट वगैरह मैंने उतार दिया है, क्योंकि लहसुन प्याज खाया हुआ बेडशीट था तो वो सारा उतार दिया, अब नया बेडशीट बिछाएंगे। और ईरा यहाँ पे सो रही है और मतलब कार्टून देख रही है वो उधर,
और अब मैं अब उसका ड्रेस दिखाऊंगी, मतलब मैंने ऑनलाइन ही शॉपिंग किया हुआ है, मुझे ऑनलाइन अभी डिस्काउंट खास करके मिंत्रा सब पे कितना अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, तो मुझे मतलब बहुत महंगा महंगा ड्रेस सब बहुत कम दाम में मिल गया, तो मैं आपको अब दिखाऊंगी उसका ड्रेस। और दो तीन ड्रेस अभी और नहीं आया हुआ है, वो आना बाकी है, तो उसमें थोड़ा लेट लगेगा क्योंकि मैंने हॉपस्कॉच से दिया हुआ है, और बाकी जो मैंने मिंत्रा से दिया हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सारा कपड़ा जो भी आया हुआ था ना उसका सारा बैग में हम डाल दिए, क्योंकि अलमीरा में हम डेली वेयर का कपड़ा पहनने के लिए रखते हैं उसमें, और यहाँ पे उसका सारा नया नया कपड़ा जो आया है वो रखे हुए हैं। और ये है वेलवेट में टॉप है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कुकुम्बर का है, और ये देखिए इस तरीके से है, और बहुत प्रीटी है, बहुत मतलब सुंदर लग रहा था उस पर। ये इसके नीचे स्कर्ट है, और लेगिंग्स वगैरह जो भी जीन्स वगैरह जो भी पहनना चाहेगी वो है, मतलब बहुत सारा शॉपिंग किया, सारा बैग में उसी का कपड़ा है। और ये भी टॉप है, और ये भी टॉप है, मतलब ज़्यादातर हम उसके लिए इस बार ना एक गाउन टाइप का ड्रेस लिया, बाकी सारा टॉप और लेगिंग्स स्कर्ट इस सब टाइप का ही लिए हुए हैं। ये भी टॉप है, ये ब्लैक वाला भी टॉप है, और ये रेड में लेगिंग्स है, और ये भी टॉप है जो आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे इसका डिज़ाइन बना हुआ है, हमको बहुत प्यारा लगा ये वाला टॉप। और ये भी ये पिंक कलर का टॉप है, ईरा का फेवरेट कलर, तो ये इस तरीके से है पूरा, मतलब इस तरीके से है पूरा टॉप में डिज़ाइन बनता है, जब वो पहनी थी ना तो ये वाला डिज़ाइन जो है ना इसका, ये हमको बहुत प्यारा लगा, और इस तरीके से है इसमें बना हुआ है यहाँ पे डिज़ाइन। और ये स्कर्ट है, ये भी स्कर्ट है जो कि इसके साथ ही हम लिए हैं सारा, और इधर का तो मतलब पहले वाला कपड़ा सब है, अभी थोड़ी बेटा पूजा में ना पहनोगी, नहीं नहीं चेक किया हुआ है, हाँ पुराना कर दोगी तुम पहन के, हमको सब पता है। तो फिलहाल सारा सामान समेट देते हैं, क्योंकि ईरा अगर एक भी कपड़ा आप देख लेगी ना मतलब इस अब जिद ठान देगी कि हमको पहनाओ, ये सारा कपड़ा हम इसका पूजा का लिए हुए हैं। दो ड्रेस और बचा हुआ है, तो जो आएगा वो हम आपको दिखाएंगे बाद में, तो अभी हम फटाफट कपड़ा समेट देते हैं क्योंकि ये फिर हमको जिद मचा देगी कि हमको पहनाओ। यहाँ पे भगवान जी का सारा कपड़ा वगैरह धो करके मम्मी यहाँ पे सूखने के लिए डाल दी, और बारिश भी हो रहा है, आप देख सकते हैं कि पूरा छत भीगा हुआ है, नहीं होगा तो इसको उठा करके ना सारा कपड़े को फैन में डाल देंगे, तभी रात तक में भगवान जी के ऊपर फिर से पहना सकते हैं। तो आज की व्लॉग आपको अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ये व्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी, और मेरी अभी शॉपिंग की व्लॉग बची हुई है बहुत सारा, और अभी पूजा का व्लॉग भी आएगा, शॉपिंग होने वाला है पूरा एकदम धमाकेदार, क्योंकि भाभी लोग आने वाली है, अभी आने वाली है मेरी जेठानी, और ईरा के पापा आने वाले हैं, तो सबको ही मिलकर शॉपिंग करेंगे, तो शॉपिंग का बहुत ही मज़ेदार स्पेशल व्लॉग आएगा, अगर वो देखना है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये महल्या का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो उसके लिए भी अपना लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए।